हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है बेरोजगार भत्ते की न्यू अपडेट में। तो दोस्तों, आपको पता है 1 से 5 तारीख के बीच बीच में अपना उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। तो क्या अभी भी अपना उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं और जुलाई बिल पास की क्या अपडेट रही? तो साथियों, बने रहिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपको टाइम दिया गया है उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड करने का, आप यहाँ पर देख सकते हो 7 सितंबर तक अपना ज्वाइनिंग अपलोड करें। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है जिन आशार्थियों द्वारा 15 दिवस में कार्य ग्रहण कर लिया गया था, वह अभी तक अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड नहीं की है, उन्हें अंतिम अवसर देते हुए 7 सितंबर तक का अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। बाकी साथियों, उसके पश्चात मान्यता नहीं होगी, उनके कारण उनका भत्ता, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। तो साथियों, आप अपना 7 सितंबर यानी कि कल तक अपना उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड कर दें अगस्त का। और इसके अलावा साथियों, आपको पता है जो कि जुलाई बिल पास अभी तक पास नहीं हो रहा है, तो उसका यही कारण है क्योंकि बहुत से साथियों को इंटर्नशिप मिल चुकी है और वह ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो वह फटाफट से जल्दी से ज्वाइन कर ले, नहीं तो उनका भत्ता बंद हो जाएगा। बाकी साथियों, जून की बात की जाए तो आपको पता है नागौर ज़िले का ही बिल पास होना बाकी है और लगभग सभी ज़िलों का बिल पास हो चुका है। जिन साथियों का अभी तक बिल पास नहीं हुआ है, वह 181 पर शिकायत दर्ज करवाए या फिर अपने जिला रोजगार कार्यालय से संपर्क करें, क्योंकि साथियों कभी सर्वर की वजह से भी उनका बिल पास हो जाता है लेकिन शो नहीं करता है। तो साथियों, आप टेंशन ना करें, जिनका बिल पास नहीं होता है तो वह अगले महीने में हो जाएगा। बाकी साथियों, पेमेंट की बात रही तो पेमेंट 29 जिलों का आ चुका है जून का, बाकी बचे हुए साथी जिनका अभी तक पेमेंट नहीं आया है वह भी आ जाएगा। तो इसके अलावा साथियों, शाम तक किसी भी ज़िले का बिल पास होता है या पेमेंट आता है तो उसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी। बाकी साथियों, जिनको इंटर्नशिप मिल चुकी है तो वो जल्दी से अपना इंटर्नशिप प्रमाण पत्र अपलोड कर ले और 7 दिन के अंदर अपनी सहमति भी दे दे। बाकी इस अपडेट में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।